हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज एक बहुत ही अलार्मिंग इशू पे मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। ये एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से बहुत सारे डिजर्विंग स्टूडेंट्स अपना करियर खराब कर लेते हैं, अपनी प्रिपरेशन खराब कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या है ये इशू बच्चों? ये है इशू खुद को इंपोर्टेंस ना देना, इंपोर्टेंस ऑफ अ जेई 2023 एस्पायरेंट्स, ठीक है ना। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह कि अगर आप इस बार आईआईटी जेई का एग्जाम देने वाले हो 2023 में, तो इस वक्त आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान आपकी लाइफ में कोई नहीं है। आपको सब चीजों को सेकेंडरी रखना है और खुद को सबसे ज्यादा वैल्यू देनी है। आपका काम सबसे पहले होना चाहिए। कोई भी काम दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो इस टाइम, ठीक है बच्चों। वो इसलिए क्योंकि अब जो आपका टाइम चल रहा है बच्चों, इसकी एक एक मिनट गिनी हुई है, वो काउंट हो चुकी है। इस एक एक मिनट में आपको क्या पढ़ना है, क्या करना है, दैट इज डिसाइडेड। उसी के बेस पे आपके मार्क्स आएंगे। आपके पास जो है इतना मिनिमम टाइम है, ठीक है ना, कि वो एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं। आप उसकी एक मिनट भी किसी और चीज पे नहीं लगा सकते, ठीक है। मान लो कोई भी काम है, और कुछ बच्चे इतने ज्यादा बाय नेचर अच्छे होते हैं, पोलाइट होते हैं, ठीक है ना, उनको ना करनी आती नहीं है किसी काम को। फैमिली में इतने अच्छे से घुल मिल के रहते हैं कि वो किसी काम को मना ही नहीं कर पाते। और अगर उनको कोई काम दिख रहा होता है तो वो अपनी पढ़ाई को छोड़ते हैं, उस काम को पहले करने लगते हैं, ठीक है ना। कोई भी काम, मम्मी पापा भाई बहन किसी से भी रिलेटेड। तो बच्चों, मैं इसी चीज से आपको आगाह करने आया हूं कि प्लीज वो काम कोई और भी कर सकता है, ठीक है ना। दिल पे पत्थर रख के कुछ भी करके करने दो किसी और को। बोल दो कि भाई तू कर ले, आप कर लो, ठीक है ना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पढ़ाई करूंगा, ठीक है ना। लेकिन आपका काम है पढ़ाई करना, और वो पढ़ाई आपके करियर के लिए केवल आप ही कर सकते हो। आपके पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन होगा, किसी दूसरे के पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए बच्चों, सारी चीजों को भूल भाल के आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, खुद को इंपोर्टेंस देनी है। तो बच्चों, ये जो आपके 5-6 महीने हैं, इनमें जितना भी टाइम है, इनकी एक एक मिनट आपके आईआईटी में सेलेक्ट होने के बाद जो आपका 50-60 साल का करियर बनने वाला है, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ऊपर लेवल का होगा, उसमें आज की एक एक मिनट का कंट्रीब्यूशन है। तो बच्चों, ये एक एक मिनट बहुत कीमती है। दिस इज गोल्डन टाइम ऑफ योर लाइफ। इसको आप कहीं और मत लगाओ, ठीक है बच्चों, वरना वो वाला जो फ्यूचर आपका वेट कर रहा है ना, इंतजार कर रहा है, वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू। पढ़ते रहिए।